अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने से पहले आपको रिव्यू दे दूं चैप्टर नंबर 6 का। उसमें बेटा हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पहले हमने पढ़े थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको जो है वो रिव्यू देने लगी हूँ। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आपकी बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कैसे वजूद में आए, इंसान वजूद कैसे आया। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ सेल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो उसमें सबसे पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलके एटम क्रिएट कर रहे थे, एटम्स आपस में मिलके बायो एलिमेंट बना रहे थे, बायो एलिमेंट मिलके आपस में बायो मॉलिक्यूल बना रहे थे, बायो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होके ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल आपस में मिलके टिश्यू, यानी ये कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन मिलके अगला अगला जो है वो बना रहा है। देखें, ऑर्गेनेल्स जो है वो मिलके सेल बना रही थी, सेल्स आपस में सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, सिमिलर टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑल ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर्म अ इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल जो है, यानी हम एक ऑर्गेनिज्म थे, एक ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म, यानी एक स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना रहे थे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सिंपल एक स्पीशी के लोग थे, अब डिफरेंट स्पीशी जो है वो, यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस फॉर्म टू मेक अ कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर्म टू मेक अ बायोस्फीयर। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेटा आपके थे साइड टॉपिक्स, यानी साइड बॉक्सेस। मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने कभी भी छोड़ने नहीं है। उनमें टू डेफिनेशंस थी आपकी, स्पीशी और हैबिटेट। स्पीशी क्या होती है, अ स्पीशी इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड करके एक नया ऑर्गेनिज्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब सेम स्पीशी के लोग ही जो है आपस में मिलके इंटरब्रीडिंग करवा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे होमोसैपियन। होमोसैपियन साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग है, यानी हमारा साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसैपियन। मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी साइंटिफिक नेम आप अपने हाथों से लिखते हैं, वैसे तो अगर आपने कंप्यूटराइज साइंटिफिक नेम लिखना है तो अटैलिक्स में लिखा जाता है, वो आप कंप्यूटर पे सेट कर लेते हैं अटैलिक्स, वो तो जो टेढ़े लफ्ज लिखे जाते हैं, ठीक है, अटैलिक्स में, वो होता है आपका साइंटिफिक नेम अगर आप कंप्यूटराइज लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप हाथों से लिख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है अटैलिक्स नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम जो है अंडरलाइन करके लिखेंगे। फर्स्ट जो है वो जेनरिक नेम होता है, फर्स्ट नेम कौन सा होता है, जेनरिक नेम, और सेकंड नेम क्या होता है, स्पीशी नेम, ठीक है। जेनरिक नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और उसको अलग से आपने अंडरलाइन करना है, और जो आपका स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और अलग से स्पीशी नेम को भी आपने अंडरलाइन करना है। स्पीशी की डेफिनेशन जो है, स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड, जो कि आपस में मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, तो वो स्पीशी कहलाती है। ये नहीं है कि टू डिफरेंट स्पीशी के लोग, जैसे कि म्यूल और डोंकी, हॉर्स और डोंकी दो अलग अलग स्पीशी हैं, हॉर्स अलग स्पीशी है, डोंकी अलग स्पीशी है, दोनों आपस में रिकम्बाइन करके एक नई स्पीशी इवॉल्व करते हैं, दैट इज द म्यूल। अब म्यूल जो है वो अगली नस्ल चलाने के काबिल नहीं है। आपको इस डेफिनेशन से ये पता होना चाहिए कि जो खुद इंटरब्रीड करके नई नस्ल पैदा कर सकते हैं और उनकी अगली नस्ल भी अगली नस्ल पैदा करने के काबिल होती है, यानी कि ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरब्रीड करके जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं उनके बेबीज भी आगे अगली नस्ल चलाने के काबिल होते हैं। लेकिन आप डोंकी और हॉर्स को देखें, वो आपस में इंटरब्रीड तो कर लेते हैं, म्यूल भी पैदा हो जाता है, लेकिन म्यूल जो है वो अगली नस्ल चलाने के काबिल नहीं है, जिसको आप खच्चर भी बोलते हैं। इसका मतलब डोंकी और हॉर्स एक स्पीशी नहीं थी,
अगर तो वो एक स्पीशी होती तो म्यूल भी अगली नस्ल चला सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्पीशी की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, या आपके अगले चैप्टर्स में भी आएंगी बार बार डेफिनेशन। उसके बाद है हैबिटेट। हैबिटेट बेटा बोलते हैं जगह को, कोई भी ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर रह रहे हो, यानी उनका घर। हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म इकट्ठा मिलकर कहीं पे भी रह रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, उनका हैबिटेट कहलाता है। जैसे ये वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। परिंदों का हैबिटेट क्या है, ट्री है। हमारा हैबिटेट हमारा घर है, ठीक है। यानी एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ही जगह पे रह रहे हैं तो उनका क्या बन जाता है, हैबिटेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मैंने आपको पीछे से रिव्यू कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सेल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि सेल वजूद में कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स। कितने मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, फाइव मेजर ग्रुप्स हैं। यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। प्रोक्रियोट्स मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रो मतलब बिफोर, क्रियोट मतलब न्यूक्लियस, प्रोक्रियोट्स मतलब बिफोर न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल आइडेंटिफाइड नहीं होता, या तो होता ही नहीं है, अगर हो भी तो उसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, बस वहां पे मौजूद है, उसने कोई काम नहीं करना, यानी प्रोक्रियोट्स हो गया। उसके बाद है आपके प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो के एनिमल्स में आ सकते हैं ना प्लांट्स में आ सकते हैं। साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनको प्लांट्स में रखेंगे एनिमल्स में रखेंगे, क्योंकि उनमें दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एलजी दिखती प्लांट जैसी है, ठीक है, लेकिन वो अगर उसको लाइट ना मिले और फोटोसिंथेसिस ना कर सके तो वो फोटोसिंथेसिस के बगैर भी खुद से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ करके भी अपना खाना हासिल कर लेती है, ठीक है। तो प्लांट तो ना हुआ, यानी प्लांट जैसा भी है एनिमल जैसा भी है, अब उसको कहाँ पे रखें। सेकेंडली आपकी फंजाई है, फंजाई भी देखने में प्लांट जैसी है लेकिन खाना कैसे हासिल करती है, एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। हेटरोट्रॉफ यानी जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी हेटरोट्रॉफ वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहती है और वहीं से खाना एब्जॉर्ब करती है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यानी जो प्लांट फोटोसिंथेसिस ही ना कर सकता हो वो प्लांट तो ना हुआ। तो इसी तरीके से प्रोटिस्ट में वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ना के प्लांट होते हैं ना ही एनिमल होते हैं, ठीक है। इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की कैटेगरीज उनमें मौजूद होती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने उनके लिए अलग से एक जो है वो डिवीजन क्रिएट कर दी है, ताकि जो है हम जो है कंफ्यूज ना हो सके। उसके बाद आ जाती है फंजाई। फंजाई के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होता है, दिखने में प्लांट जैसा होता है, अगर आपने देखा हो कभी फंजाई मशरूम, ठीक है मशरूम ऐसा होता है उसके, ये देखिए दिखने में वो प्लांट जैसा ही होता है, उसके नीचे हिस्टोरिया भी होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर जो आपको कैप नजर आ रही है ये उसका फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, रेड होती है, ऊपर डॉट्स होते हैं, कईयों में सिर्फ स्किन कलर की होती है, दिखने में ये प्लांट जैसा है लेकिन खाना कैसे हासिल करता है, जमीन से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी बैक्टीरिया वगैरह जो मर जाते हैं, या आपका गला सड़ा खाना जो आपने फेंक दिया है उसके डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जमीन में पड़े हैं, तो उनसे खाना अब्सॉर्ब करता है फिर जिंदा रह सकता है, इसीलिए दिखने में प्लांट जैसा है लेकिन है एनिमल की तरह खाना हासिल करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। उसके बाद है प्लांट्स। प्लांट्स सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरों से खाना हासिल करते हैं। तो ये मेजर फाइव आपके ग्रुप्स हैं, से आपने क्या पढ़े हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स। इन फाइव मेजर ग्रुप्स पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स आर देयर इन द साइंस, इन द बायोलॉजी, आपकी बायोलॉजी में फाइव कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, प्रोक्रियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है। अच्छा जी, सेकेंड आपके आते हैं टू बेसिक टाइप ऑफ द सेल्स, आपके पास कितने टाइप के सेल्स हैं। सेल की बेटा टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है प्रोक्रियोट, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रो मतलब बिफोर और क्रियोट मतलब न्यूक्लियस। अब यहां पे है दूसरा यूक्रियोट। यूक्रियोट का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू और क्रियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल, ठीक है, एक ही सेल होता है इनके अंदर, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रो
प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स जो है वो यूनि भी हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टी भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, अब आपके दिमाग में होगा ये प्रोकैरियोट है, ये भी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट भी यूनिसेलुलर हो सकता है, तो आपको पता है कैसे चलेगा? मेन डिफरेंस क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस या विदाउट प्रॉपर न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, यहां तक आपका हो गया टू बेसिक टाइप ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेल्स ऑर्गेनिज्म हैव, ठीक है, कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स। उसके बाद आते हैं आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्री वेज हैं, ठीक है, यानी तीन तरीकों से आप जो है सेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले कौन से हैं, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी मतलब मैनी, कॉलोनी का मतलब आपको पता है जो आपस में मिलके बहुत सारे सेल्स इकट्ठे मिल जाते हैं तो कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनियल बन जाते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मेन डेफिनेशन क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ एक सेल जो है वो पूरे लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी और किसी सेल की उसको जरूरत नहीं है, एक ही सेल है और वो पूरा एक सेल जो है वो पूरी की पूरी लाइफ जो है वो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे तीन एग्जांपल्स हैं बेटा, अमीबा, ये अमीबा की डायग्राम बनी हुई है, पैरामेशियम, पैरामेशियम की डायग्राम है, यूगलिना या यूगलिना की। अमीबा क्या होता है, अमीबा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ, इसके फुट होता है, ये जो है फुट जो होता है लाइट आइडेंटिटी, यानी जिस तरफ को लाइट जाती है उस तरफ को ये फुट बढ़ता है, उसी तरफ को इसकी मूवमेंट होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर सेल है ना, तो इनके पांव है ना इनके हाथ है, एक ही सेल है, उसी सेल के जरिए इन्होंने जिंदा रहना है, तो उनमें लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत करने का तरीका, तो लोकोमोशन का क्या जरिया है, इनके अंदर ये फुट है, ठीक है, जिधर को लाइट जाएगी उधर को ये फुट बढ़ेगा और उधर को ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। पैरामेशियम कैसे मूव करता है, ये आपको छोटे छोटे से इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, इनका नाम है सीलिया, ठीक है, ये जो सीलिया है ये भी वाटर में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया जिधर को मूव करते हैं उधर को ही पैरामेशियम भी मूव करता है। और यूगलिना के ऊपर ये आपको एक टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसका नाम है फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला जिस तरफ को मूव करेगा आपका यूगलिना उसी तरफ को मूव करेगा, ठीक है, ये आपके हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आप सेम एज इट इज डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एग्जांपल दे देंगे, डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद है कॉलोनियल टाइप, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टूगेदर बट डू नॉट हैव द डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब यहाँ पे जो है वो बहुत अहम बात यह है कि आपने टिश्यूज पढ़े थे, टिश्यूज और कॉलोनियल सेल्स को बेटा अक्सर आप लोग मिक्स कर देते हैं, कैसे, क्योंकि आपने टिश्यूज पढ़े थे सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज टूगेदर टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, यानी एक जैसे सेल मिलके आपस में मिलके एक जैसा काम करते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, लेकिन हर कोई सेल दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता, हर किसी की अपनी जिंदगी है, जैसे कि हम एक कॉलोनी में रहते हैं ना, हर घर की अपनी जिंदगी है, हम दूसरे घर में इंटरफेयर नहीं करते, ये एक घर है हमारे साथ एक और दूसरा घर होगा, कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन हर घर दूसरे घर के साथ कनेक्टेड जुड़ा हुआ है, लेकिन हर घर में अपनी अपनी जिंदगी है, कोई घर दूसरे घर के साथ जो है इंटर रिलेट नहीं कर रहा, यानी कॉलोनी में बहुत सारे सेल हैं लेकिन हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन अगर टिश्यू में देखें तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक ही काम कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लास की कि क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल हैं, ठीक है, और आपस में मिलके एक ही टाइम पे एक ही सब्जेक्ट रीड कर रहे होते हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर, वो अपना काम भी करते हैं और आपस में मिलके काम भी करते हैं, लेकिन कॉलोनी में ऐसा नहीं है, हर सेल अपनी अपनी अलग जिंदगी गुजारता है, बस वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई बात नहीं है,
Many unicellular organisms live together but do not have division of labor. कोई division of labor नहीं है, कोई वो काम बांट के नहीं करते, अपना अपना काम सारे करते हैं. यहाँ पे example है wall box, ये उसकी diagram है. ये एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है, ये एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है. हर सेल जो है अपनी अपनी जिंदगी अलहदा से गुजार रहा है, बस वो आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक ही काम, बहुत सारे काम करते हैं. यानी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू. ठीक है, सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं. ये मैंने इसीलिए आपको रिपीट किया था कि ये दोबारा से आपकी जो है बात आएगी इसमें. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन एंड ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इसमें आपकी जो एग्जाम्पल्स दी हुई है, दैट इज द फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट. ठीक है, ये आपकी बुक में दोनों एग्जांपल्स दी हुई है. मस्टर्ड प्लांट है फर्स्ट. मस्टर्ड प्लांट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम आपको नजर आ रहा होगा, ब्रासिका कंपेस्ट्रस. ठीक है, क्या है? ब्रासिका कंपेस्ट्रस. और लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल, और दोनों को अलग अलग आपने अंडरलाइन करना है. अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अहम जो है आपके एमसीक्यू है इस पॉइंट में. क्या है सोन इन विंटर? कब आप इसको बोते हैं? सोन इन विंटर. ठीक है, और आप प्रोड्यूस सीड कब करते हैं? इन द एंड ऑफ विंटर. ठीक है, ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि ब्रासिका कंपेस्ट्रस को कब सोन किया जाता है? इन विंटर. और फिर सीड प्रोड्यूस कब होते हैं? इन द एंड ऑफ विंटर. उसके बाद है इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट. इस प्लांट की इंपोर्टेंस क्या है? यूज एज वेजिटेबल. बेटा मस्टर्ड प्लांट साग को बोलते हैं, साग खाते हैं ना आप लोग, तो उसका जो है यूज एज अ वेजिटेबल. उसके पत्तों को आप खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और उसकी जो सीड्स होते हैं उससे आप जो सरसों का तेल हासिल करते हैं. ठीक है, यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. ठीक है, उसके बीजों से सरसों का तेल यानी तेल हासिल किया जाता है. उसके बाद है आपके पास ऑर्गन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. यानी आपका जो प्लांट बॉडी है उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक है उसका वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं. वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपके? रूट है, वेजिटेटिव पार्ट है. ठीक है, वेजिटेटिव मतलब जो के खाने वाले हिस्से हैं उसके, वेजिटेबल से वेजिटेटिव है. स्टेम को भी आप खाते हैं, लीव्स भी आप खाते हैं, उसके ब्रांचेस भी खाते हैं. ये सारे के सारे उसके वेजिटेटिव पार्ट है. रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है? फ्लावर. फ्लावर आप उसका वो येलो कलर का छोटा सा फ्लावर उसके ऊपर लगा होता है ना साग के ऊपर, वो जो फ्लावर होता है उसके, उससे आप क्या बनाते हैं? फ्रूट बनता है, और फ्रूट से दोबारा से सीड बन जाता है. यानी ये रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है. और फ्लावर जो होते हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि उसी के अंदर ओवरी बनती है, उसी के अंदर ओव्यूल बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो दोबारा से सीड बन जाता है, और ये इस तरह से उसका साइकिल जो है वो चलता रहता है. उसके बाद नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल है फ्रॉग. फ्रॉग में क्या है? उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है आपको, राना टिग्रिना. ठीक है, राना टिग्रिना. सेम इसी तरीके से इसका लिखने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ. फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है. उसके बाद है आपके ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू. इसके ऑर्गन्स किन किन स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, स्किन के टिश्यूज को बोलते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यूज, आपके पास लंग्स हैं, जो आपका फ्रॉग होता है उसके पास बेटा ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स ज्यादातर होते हैं उनके पास. उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स से टिश्यू. और नर्वस टिश्यूज यानी कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि आपके ब्रेन, जो फ्रॉग है ब्रेन से आपके पूरे बॉडी पार्ट को जो भी कनेक्शन या जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो नर्वस टिश्यूज के जरिए करता है. ठीक है, अब यहां तक हो गया आपका लेक्चर. अब इसको मैं रिव्यू कर देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस में. बेटा आपके पास 5 मेजर ग्रुप्स पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, बेसिक जो है टाइप ऑफ सेल्स पूछ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन. उसके बाद है आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी वेज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. 3 वेज हैं. आगे उन 3 वेज के आप नाम भी लिखेंगे. हर किसी की अलग अलग आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल टाइप कौन सी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, हत्ता कि इनमें डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर कॉलोनियल, डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर, यानी किसी भी तरीके से आपसे डिफरेंसेस पूछ सकते हैं. और साथ में आपके मस्टर्ड प्लांट के शॉर्ट क्वेश्चन के, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मस्टर्ड प्लांट क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट क्या है,
वेजिटेटिव और इसके कितने बॉडी के पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, आगे उन पार्ट्स के नाम कौन से हैं। इसी तरीके से फ्लो का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ सकते हैं, उसके स्पेसिफिक टिश्यूज के नेम पूछ सकते हैं, और ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी पूरे का पूरा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाता है कि जो आपके MCQs हैं वो इसके कर लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में बेटा आपके मल्टीपल चॉइस हैं, 10 मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें से फर्स्ट कौन सी है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ हैबिटेट, बायोस्फीयर, कम्युनिटी या पॉपुलेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज द पॉपुलेशन, डी इसका ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट का क्या है ऑप्शन, डी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इफ आ If a scientist is studying the method of interacting human insulin gene in a bacteria, which branch of biology may this be? यानी ये कौन सी branch of biology हो सकती है? आपको हमने पढ़ा था कि biotechnology जो है वो practical applications perform करती है, तो इसका answer होगा C, biotechnology। उसके बाद है third आपका, which one will be the correct sequence of level of organization of the life? हमने अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस, फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है, थर्ड का जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किस मॉलिक्यूल की है, सी है इसका आंसर, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर अब्सॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ये हमने फंजाई के बारे में पढ़ा है कि फंजाई जो है वो एक एब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, इसका आंसर होगा डी। अच्छा जी, सिक्स है आपका, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नोन एज, सिक्स का आंसर होगा बी, टिश्यू, यानी सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ये पीछे हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सेवन, विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल। ठीक है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ए आंसर होगा, सेवन का ए आंसर है। उसके बाद है लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट इज, प्लांट्स में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है, टिश्यू लेवल ही होता है, तो लेस डेफिनेट कौन सा होगा, सी आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद है विच इज ट्रू अबाउट द वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स के बारे में क्या ट्रू है, तो ये सी है, कॉलोनियल टाइप। हमने अभी पढ़ा कि वॉल वॉक्स किसकी एग्जाम्पल थी, कॉलोनियल यूकेरियोट्स की। उसके बाद है आपका टेन, When we study the feeding relation among the different animal species of the forest at the level of the organization we are studying, हमने कम्युनिटी में दो पढ़े थी टाइप्स, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ी थी, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये किसकी किसकी टाइप होगी, कम्युनिटी की, यानी इसका आंसर है सी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।